हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू परमानेंटली डिलीट फेसबुक अकाउंट। फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कैसे करें, तो बहुत ही आसान तरीका है। वीडियो को ज़रा पूरा ध्यान से देखते रहिए, सारे स्टेप को आपने फॉलो करना है ताकि आप भी अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर पाओ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपके पास आईफोन हो या फिर एंड्रॉयड हो, दोनों में सेम ही प्रोसेस होता है, सेम ही एप्लीकेशन होती है। तो फेसबुक एप्लीकेशन को आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद राइट साइड पर, यहाँ पर आप देख सकते हो राइट साइड पर एक लोगो है, ठीक है, इस पर आप टैप करें। उसके बाद ऊपर सेटिंग है, इस पर टैप कर दें और मेटा अकाउंट सेंटर का ऑप्शन आएगा, इस पर टैप कर दें। अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर टैप करें और यहाँ पे अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, इस पर क्लिक कर दें। उसके बाद डीएक्टिवेशन और डिलीशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर फेसबुक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपके सामने डिलीट योर अकाउंट इज़ परमानेंट, तो डिलीट अकाउंट वाले सेक्शन पे टैप करना है और यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद ये बोल रहा है कि आपका अगर कोई फेसबुक पेज है तो वो भी डिलीट हो जाएगा, तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कंटिन्यू कर देते हैं। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे एक रीज़न सेलेक्ट करो, तो यहाँ पे मैं एक रीज़न सेलेक्ट करता हूँ और अगेन यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ। उसके बाद आ रहा है प्राइवेसी ऑन फेसबुक, तो यहाँ भी आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर अगेन कंटिन्यू करना है, सारे स्टेप को वैसे ही फॉलो करना है जैसे मैंने यहाँ पे किए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये पासवर्ड रिक्वायर करेगा, तो आपको पासवर्ड ऐड करना है और यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे फाइनल पेज आ चुका है, कंफर्म परमानेंट अकाउंट डिलीशन। तो यहाँ पे एक ही बटन है डिलीट अकाउंट का, अगर आप यहाँ पर टैप करोगे तो आपका फेसबुक अकाउंट हमेशा के लिए यानी कि परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं डिलीट करना नहीं चाह रहा, इसलिए क्लिक नहीं करना, आप सिर्फ इस पर टैप करें और आपका फेसबुक अकाउंट भी डिलीट हो जाएगा। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।